been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. हम अपने घरों को खुद बनाते हैं और फिर हमारे घर हमें बनाते हैं। जी हाँ, ये कहावत सुनने में या फिर बोलूँ ये कोट सुनने में जितना तुम्हें अजीब लग रहा है उतना ही ज्यादा फिट बैठता है ये इस कहानी में। अवतार फ्रंटियर्स ऑफ द पैंडोरा। और हाँ, इस गेम की कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ। इस गेम में जो हमारा कैरेक्टर है ना, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जिसके तौर पे हम खेलते हैं, उस कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं है। तो अब मैं कहानी में जब भी हम बोलूंगा तो मेरे हम से मतलब होगा वो कैरेक्टर जिसे हम प्ले कर रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं हम बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उस कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूँ और ये पूरी की पूरी स्टोरी मैं तुम्हें उसी के नजरिए से बताऊंगा। अब गेम की जो कहानी है ये उसी यूनिवर्स में सेट है जिस यूनिवर्स में अवतार की मूवीज आती है। जी हाँ, वही यूनिवर्स जहाँ पे जेक सली ने बगावत की थी ह्यूमंस के खिलाफ में। लेकिन ये कहानी कहीं पे भी जेक सली को नहीं लेकर के आएगी, सो तुम्हें मूवीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गेम की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही आरडीए कंपनी को, जो कि यहाँ पे कुछ नावी बच्चों को लेकर के आ चुकी है अपनी फैसिलिटी में और वो यहाँ पे इनको पढ़ा लिखा रही है इंसानी तौर तरीकों के बारे में। अब यहाँ पे ये जो बंदा है जॉन मर्सर, इसने जो है इन बच्चों से कहा है कि तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे जो कबीले हैं उन्होंने तुम्हें यूं ही भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया, तुम्हें त्याग दिया है और हमने तुम्हें जो है अपने साथ रखा है, तुम्हें सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है और जो भी तुम्हें आज मिला है वो हमारी वजह से ही है। अब यहाँ पे हम पांच भाई बहन है जिनमें से एक बहन का नाम है आहारी, दूसरी बहन का नाम है रिनेला, एक भाई का नाम है नॉर और एक भाई का नाम है टेलन। और जैसा कि मैंने बताया हमारे कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है तो मैं उसे हम के तौर पे ही रेफर करूंगा। अब यहाँ पे जो हमारा भाई टेलन है वो जो है इस जॉन मर्सर के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है। वो सोचता है कि जॉन मर्सर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है और एक्चुअली देखा जाए तो अभी हमें भी पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है हमारे कबीले ने सच में हमें त्याग दिया हो लेकिन पूरी सच्चाई तो हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे हमारी एक बहन है जिसका नाम है आहारी, उसे पूरा विश्वास है कि हमारा कबीला और हमारी माँ हमें कभी भी यूं ही त्याग के नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इसलिए वो अब सच का पता लगाना चाहते हैं और अब वो इस आरडीए की फैसिलिटी से निकलना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से छुपते छुपाते निकल ही रहे थे तभी वहाँ पे आरडीए फैसिलिटी के लोग और जॉन मर्सर आ जाता है। यहाँ पे आहारी को पता था कि इंसान कभी भी उनसे जीत नहीं पाएंगे, कम से कम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो कतई भी नहीं, इसलिए वो यहाँ पे अपने कबीले के गीतों को गाते हुए आगे बढ़ रही थी जो उसने बहुत छोटी उम्र में बचपन में सुने थे। उसे गीत तो याद नहीं थे लेकिन हाँ उसे धुन याद थी। अब आहारी को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख करके बाकी के भाई बहनों में भी अलग सा जोश आ जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं। When did I make Elko? Stop right there! What did you do? No! अब यहाँ आहारी की मौत को 8 साल गुजर चुके हैं, सभी के सभी नाभी भाई बहन बड़े हो चुके हैं। तभी यहाँ पे हमें खबर मिलती है कि जेक सली नाम का एक अवतार, जी हाँ यहाँ पे थोड़ी सी जो है मूवी की कहानी आ चुकी है जहाँ जेक सली ने बगावत की थी इंसानों के खिलाफ, तो यहाँ पे जॉन मर्सर जो है इस रूम में आकर के सबको बताता है कि जेक सली नाम का जो एक अवतार था उसने बगावत कर दी है और उसके साथ में जो बाकी के क्लैंस हैं उन्होंने भी बगावत कर दी और बाकी के इंसानों को यहाँ से अब वो मारते ही जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जॉन मर्सर पूरी की पूरी टीम को हुक्म देता है कि वो लोग इस ग्रह को पैंडोरा ग्रह को छोड़ करके यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे हम सब नावी भाई बहनों की एक टीचर भी थी जिसका नाम था आलमा, जो कि एक नावी अवतारी थी
इसका इंसानी रूप अभी भी किसी ना किसी चेंबर में होगा जहाँ से ये इस रूप को कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पे जो जॉन मर्सर है वो आलमा से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन्हें लेकर के आता हूँ। आलमा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जॉन मर्सर ने हम लोगों को मारने का आदेश दे दिया है, लेकिन वो लोग हमारे ऊपर गोलियां चला पाते उससे पहले ही यहाँ आलमा गन लेकर के आती है और उन दोनों सोल्जर्स को मार गिराती है, और इसी वजह से हमें भी अब यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ आलमा हमें एक चेंबर में लेकर के आती है जहाँ पे कई सारे स्लीपिंग पॉड्स थे, जहाँ आलमा कहती है कि तुम इनके अंदर लेट जाओ और मैं तुम्हें बाद में बचा लूंगी। हम सभी भाई बहन इन स्लीपिंग पॉड्स में सो जाते हैं। कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि आलमा लौट के आई है और उसके साथ एक नाभि सोल्जर भी है। यहाँ हम आलमा से पूछते भी हैं कि जो इंसान थे वो तो पेंडोरा को छोड़ करके चले गए थे ना, लेकिन तभी यहाँ पे वो नाभि वॉरियर बोलता है सारेट टू, सभी के सभी इंसान लौट आए हैं। तब हमें पता लगता है हमारे कबीले का नाम, जिसका नाम था सारेट टू। ये वॉरियर हमें देखते ही पहचान गया था कि हम किस कबीले से हैं। अब हम यहाँ से भाग करके निकलना शुरू करते हैं। भागने से पहले हमें पता लगता है उस नाभि वॉरियर के बारे में, जिसका नाम था सोलैक। लेकिन रास्ते में हमें एक बात और पता लगती है कि जॉन मर्सर लौट आया है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ थी, क्योंकि जॉन मर्सर ने आखिरी बार कहा था हम पेंडोरा ग्रह को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुली हमें पता लगता है कि जॉन मर्सर तो यही है, तो वो आखिर गया कब? लेकिन इन बातों के बारे में सोचने का फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं था और हम यहाँ से बिना सोचे समझे भाग निकलते हैं। और बाहर निकलने पे हम देखते हैं पेंडोरा की वो खूबसूरत दुनिया जहाँ से जॉन मर्सर ने हमें अभी तक वंचित रखा था। अब इस फैसिलिटी से बाहर आने पे हमें पता लगता है कि सोलैक जो है घायल हो चुका है इंसानों से लड़ते हुए, लेकिन उसने हमारे भाई बहनों को जो है यहाँ से भगा दिया है, तो अब वो कभी भी इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसने वाले थे। लेकिन हमें सोलैक की मदद करनी थी, इसलिए अब हम सोलैक का धनुष उठा करके खुद इंसानों से लड़ने चले जाते हैं और उन्हें मार गिरा करके सोलैक की मदद करते हैं। अब हम यहाँ पे सोलैक की मदद करने के बाद एक सेफ हाउस पे आते हैं, लेकिन यहाँ हम जैसे ही आलमा से आकर के बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें भले ही ये कुछ पल लग रहे थे कि हम आज सोए और कल उठ गए, लेकिन इस सब के बीच में 16 साल बीत चुके हैं। जी हाँ, 16 साल बीत चुके हैं जब जेक सली ने बगावत की थी और सभी इंसानों को पेंडोरा ग्रह से भगाया था, लेकिन अब 16 साल बाद जॉन मर्सर फिर से लौट आया है। यहाँ आलमा आगे बताती है कि जब जॉन मर्सर इस ग्रह को छोड़कर के गया था तो उसने कहा था कि आरडीएफ फैसिलिटी को उड़ा दो, और उसने ऐसा ही किया। सारी दीवारें अंदर की ओर गिर गई, मुझे लगा था तुम मर गए। लेकिन तभी मेरे साथियों ने आरडीए वालों को कुछ रेडियो पे बोलते हुए सुना। वो बोल रहे थे कि आरडीए वाली जगह से उन्हें कुछ सिग्नल मिल रहे थे। तब मैं समझ गई कि उन पॉड्स में तुम अभी भी जिंदा थे और मैं तुम्हें बचाने आ गई। तभी वहाँ पे सोलैक ने भी उनकी मदद की थी और तभी अब ये लोग वहाँ से भाग करके आ पाए हैं। तो जी हाँ, हम नावियों को लग रहा था कि अभी बस कुछ पल बीते हैं, लेकिन असलियत में 16 साल बीत चुके थे। अब यहाँ पे इस सब बातचीत के बाद हम एक मीटिंग में जाते हैं, जहाँ हमें आलमा बताती है जॉन मर्सर के बारे में और उसके साथ ही हार्डिक के बारे में। यहाँ सोलैक कहता है कि हम आरडीए वाले लोगों से कई महीनों से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं निकल रहा है। तभी हमें पता लगता है कि बाकी के जो नाभि कबीले हैं, उन्होंने भी इंसानों से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से या तो कोई जीत नहीं पाया है और पीछे हट चुका है, या जो अभी भी लड़ रहे हैं वो इन अच्छे इंसानों के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अभी आलमा चाहती है कि हम जाकर के उन सभी कबीलों को एकजुट करें, क्योंकि हम है सारेटू कबीले से, और जितना अभी तक गेम में हमें बताया गया है सारेटू कबीला बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड कबीला था, तो अगर हम उन कबीलों में जाकर के बात करें तो हो सकता है वो हमारी बात सुने और सब एकजुट होकर के आरडीए वालों को यहाँ से भगा डाले। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पे पास में ही एक आरडीए की ड्रिलिंग साइट है, जिसकी वजह से पेंडोरा का एनवायरमेंट बहुत खतरे में आ रहा है। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम सोलैक से कहते हैं कि हम इस ड्रिलिंग साइट को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, और सोलैक भी हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जाने देता है। हम उसके विश्वास पे खड़े उतरते हैं और उस ड्रिलिंग साइट को पूरे तरीके से तबाह कर देते हैं। तभी हमको अपने भाई बहनों की आवाज आती है। जी हाँ, टेलन, रिनेला और नॉर की आवाज। वो कहते हैं कि उन्हें एक पौधा दिखा है जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीला है। हम उस पौधे के पास जाते हैं
तब हमें पता लगता है कि ये पौधा एवा से कनेक्ट करने का एक तरीका है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एवा क्या है, तो ये जो ग्रह है, ये पेंडोरा जो ग्रह है, ये पूरा का पूरा ग्रह एक तरीके से जिंदा ग्रह है। जी हाँ, यहाँ तुम पूरी की पूरी प्रकृति से कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी जानवर से, किसी भी पेड़ पौधों से, तुम किसी से भी यूं ही बात कर सकते हो। और जी हाँ, ये एवा कुछ और नहीं बल्कि जिस तरीके से हम अपनी पृथ्वी पे बोलते हैं मदर नेचर, तो वहाँ पे मदर नेचर को एवा बोला जा रहा है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी के मुकाबले वहाँ का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा जिंदा है, जिसे वो लोग एवा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही एवा से कनेक्ट होते हैं, तब एवा हमारे लिए हमारे पूर्वजों को दिखाती है। यहाँ इन सपनों में हमें अपने पूर्वज का नाम मिलता है, जिसका नाम था एंटू। तो अब हमें यहाँ ये भी पता लग गया कि हमारा जो कबीला था उसका नाम सारंटू कैसे पड़ा था, जिसमें सारंटू में से एंटू उस पहले कबीला का नाम था जिसने इस कबीले को बनाया था। अब यहाँ पे ये राज जानने के बाद हम वापस से अपने सेफ हाउस पे आते हैं और यहाँ पहाड़ी पे खड़े होकर के हम अपने भाई नॉर से बात करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में, इस नई दुनिया के बारे में। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि हमारा जो सेफ हाउस था वहाँ पे हमला हो चुका है और हमारे कई सारे साथी प्लस हमारी जो टेक सपोर्ट थी जिसका नाम था प्रिया, वो भी खतरे में है। अब यहाँ पे नॉर कहता है कि मैं रिनेला और टेलन को ढूंढता हूँ, तुम जाकर के प्रिया को बचाओ। अब हम यहाँ से सीधा भागते हुए जाते हैं प्रिया के पास। यहाँ पहुँचने पे हमें आलमा और सोलेक दोनों ही मिलते हैं। सोलेक के साथ मिलकर के हम आरडीए के एक पूरी की पूरी सोल्जर्स की टुकड़ी को मार गिराते हैं। आलमा यहाँ पे प्रिया का ख्याल रख रही होती है। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक और नावी वॉरियर आ चुकी है हमारी मदद करने के लिए और वो हवा में उड़ रहे कुछ शिप्स को भी तबाह कर देती है। लेकिन ये वॉरियर कुछ अलग थी, ये हमें देखते ही पहचान जाती है और इतनी इज्जत के साथ देखती है जिसकी कोई हद नहीं। वो कहती है, तुम एक सारंटू हो, हमें लगा था कि तुम्हारा कबीला सालों पहले खत्म हो चुका है, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तो जी हाँ, यहाँ पे ये जो हमारा सारंटू कबीला है, इसके साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हमें अपने कबीले के लोग छोड़कर के सभी कबीले के लोग मिल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है इसका हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें एक बात जरूर पता है, ये सारंटू कबीले के लोगों का सभी कबीलों में बहुत ज्यादा सम्मान था। अब यहाँ पे हमें इस नावी वॉरियर का नाम भी पता लग जाता है, जिसका नाम होता है एटुआ और ये होती है अरानाहे कबीले की। अब यहाँ पे जो कबीला है, ये वही कबीला है जो इंसानों से लड़ते हुए हार चुका था और अब वो पीछे हट चुका है और बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन एटुआ ऐसा नहीं मानती, वो यहाँ पे बार बार इंसानों के ऊपर, आरडीए वाले जो इंसान है उनके ऊपर हमला करती रहती है। और यहाँ पे वो इसी वजह से आई थी कि उसे लगा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के लोग, जी हाँ वही लोग जो अभी आरडीए के खिलाफ हैं, यानी कि हम सोले, आलमा और ऐसे ही लोग, इनसे मिलेगी। लेकिन यहाँ वो हमें देख करके दंग रह जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक सारंटू देखा था। अब यहाँ पे एटुआ जो है वो अपने कबीले को बार बार मनाने लग रही थी कि हमें इंसानों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो इसकी सुन नहीं रहे थे। लेकिन अब एटुआ को हमें देखने के बाद एक नई उम्मीद मिली है। वो कहती है कि मेरे कबीले के लोग, मेरे पिताजी कभी नहीं मानते इन लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन जब वो एक सारंटू के मुँह से ये बात सुनेंगे तो हो सकता है वो मान जाए। अब यहाँ पे एटुआ आलमा की मदद करती है प्रिया को यहाँ से ले जाने में, यहाँ पे जो भी लोग घायल थे उन्हें ले जाने में, और हमसे कहती है तुम जाओ मेरे कबीले के पास, उन्हें इस युद्ध के लिए मनाओ, क्योंकि मैंने माना हम योद्धा नहीं है लेकिन युद्ध हमारे दरवाजे पे खड़ा है। एटुआ के कहने पे हम उसके कबीले जाते हैं और वहाँ जाकर के हमारी मुलाकात कानाट और उसकी वाइफ नफीका से होती है। ये लोग हमें देखते ही हमें अपने होम ट्री के अंदर शरण में ले लेते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात ईटू से भी होती है। अब ये ईटू जो है एटुआ नाम की उसी वॉरियर का भाई है। अब इसी के साथ रहकर के हम शिकार करना और बाकी के नावी एक्टिविटीज सीखेंगे। अब इन सभी से अच्छी खासी मुलाकात करने के बाद हम इस कबीले के सबसे ऊंचे औहदे पे बैठे आदमी से मिलते हैं। जी हाँ, कानेट, एटुआ का पिता। हम जैसे ही उनसे कहते हैं कि आपको भी रेजिस्टेंस को ज्वाइन करना चाहिए, उन इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो पेंडोरा ग्रह को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। लेकिन यहाँ पे कानेट हमारी बात सुनने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमने पहले ही लड़ाई करके देख लिया है, बहुत कुछ हम खो चुके हैं, अब मैं अपने लोगों के ऊपर फिर से वही खतरा नहीं देख सकता। और यहाँ वो हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और हमें बिल्कुल मना कर देता है।
लेकिन यहाँ उसकी वाइफ नफीका हमारी बातों में कुछ देखती है और हमें एटुआ से मिलने भेजती है। एटुआ के पास जाकर के हमें पता लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के जीव बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक और नावी लड़की आती है और वो यहाँ आकर के हमें बताती है कि ईटू नहीं मिल रहा है। अब ये वही बंदा है ईटू जिसके साथ हमने शिकार करना और इन चीजों को सीखना शुरू किया है, जो कि एटुआ का भाई है। अब हम लोग उस लड़की के साथ ईटू को ढूंढने के लिए जाते हैं और एटुआ से कहते हैं कि कार्नेट को संभाल के रखना, इतनी देर उन्हें कुछ भी पता नहीं रहना चाहिए। अब हम जैसे यहाँ पे ईटू को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि ईटू आरडीए वाले लोगों के चंगुल में फंस गया था और वो और उसका इकरान जिसकी वो सवारी कर रहा था, वो दोनों ही मिलकर के उनसे लड़ रहे थे। लेकिन वो दोनों अचानक से अलग हो जाते हैं और ईटू एक शिप में फंस जाता है। अब हम जाते ही ईटू को सबसे पहले उस शिप से निकालते हैं, लेकिन हमें उसका इकरान नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही हम दोनों की जान बचती है, हम ईटू के इकरान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जिससे पहले कि हम उसे ढूंढ पाते, बहुत देर हो चुकी थी। What have they done to you, my beautiful? I am here now. Let me carry your pain, Zome. Let me help you. We have to go home, Zome. You have to fight so we can go home together. You are not fighting. You are supposed to. Do not leave me. Please. I'm sorry. But we can save her, can't we? Return to Ewa. Until whispering winds lift us once more. Kindred. अब हम यहाँ पे ईटू की मदद करने के बाद वापस से कबीले में आते हैं और यहाँ आकर के हमारी मुलाकात फिर से एटुआ और उसकी माँ से होती है, यानी कि नफीका से। अब यहाँ पे वो दोनों ही ईटू के इकरान की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वो हमारा फिर से एक बार कनेक्शन माँ एवा की मदद से एक किंगलोर कीड़े से करवा देते हैं, जिसकी मदद से हम जान सकें कि यहाँ की प्रकृति में आखिर क्या गड़बड़ चल रही है। और तब हमें उस कीड़े के साथ बॉन्ड बनाने से पता लगता है कि यहाँ पे इंसानों की कुछ फैसिलिटीज हैं, जो कि कुछ अलग तरीके के सिग्नल भेजती हैं, जिससे कि वहाँ के फूल, पेड़ पौधे, पत्ती अपनी तरीके से काम नहीं कर पाते। इसी वजह से वहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ के फूल ना खिलने की वजह से भूखे मर रहे हैं और वहाँ का जो पर्यावरण है वो खतरे में आ रहा है। यहाँ पे हम एटुआ से कहते हैं कि हम उन्हें रोक तो सकते हैं, लेकिन मुझे उन्हें रोकने के लिए हवा में उड़ना होगा। तब यहाँ पे एटुआ कहती है, फिर तो तुम्हें एक इकरान चाहिए होगा, लेकिन इकरान यहाँ नहीं मिलेगा। तब यहाँ पे नफीका कहती है, मैं कार्नेट से बात करती हूँ, वो तुम्हें इकरान वाली चोटी पर पहुँचने के लिए मना नहीं कर पाएगा। और वो हमारे साथ में अभी ईटू को भी भेज देती है, जिससे कि हम बिल्कुल वैसे ही एक इकरान की सवारी कर पाए जैसे ईटू किया करता था। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो इकरान नाम के जीव हैं, इन्हें हम नहीं चुन सकते। ये जो इकरान है, ये हमें चुनते हैं। इकरान खुद अपना मालिक चुनते हैं कि उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी किसके साथ बितानी है। और ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, और अगर ये बॉन्ड एक बार टूटा तो वापस मुश्किल है कि किसी इकरान के साथ दोबारा बन पाए। अब हम ईटू के साथ जाते हैं और एक इकरान के पास पहुँचते हैं। पहले तो वो इकरान शुरुआत में हमारा टेस्ट लेता है, लेकिन फाइनली एक पॉइंट के बाद वो मान जाता है हमें अपना मालिक चुनने के लिए। अब इस इकरान की मदद से हम और एटुआ दोनों ही मिलकर के आरडीए की फैसिलिटी पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैसिलिटी बर्बाद हो जाती है, लेकिन एटुआ घायल हो जाती है। हम एटुआ की यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसके इकरान के साथ उसे यहाँ छोड़ देते हैं, जिससे कि उसका इकरान उसे घर पहुँचा सके। और हम अभी यहाँ से जल्दी से उसके कबीले वालों को सूचना देने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कार्नेट सोचता है कि हमने एटुआ के साथ कुछ कर दिया है, हम उसे बहला फुसला करके आरडीए वालों के पास लेकर के गए और वहाँ उसके साथ अभी जो भी हो रहा है वो हमारी गलती है। लेकिन तभी एटुआ का इकरान उसे यहाँ ले आ पहुँचता है और तब एटुआ कहती है कि हमने उसके साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि ये एटुआ का खुद का फैसला था।
और ये आरडीए वाले ही थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ की प्रकृति ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब इन चीजों को सुनने के बाद कार्नेट मान जाता है और कहता है कि हमारा कबीला भी अब इंसानों के खिलाफ इस युद्ध में रेजिस्टेंस के साथ है। अब अरानाहिक कबीला हमारे साथ हो चुका था। तभी हमें पता लगता है कि सोलेक ने जासवा कबीले तक भी खबर पहुंचा दी है कि सारंटू कबीले के लोग जिंदा हैं और यहाँ पे अभी जो कबीला, जी हाँ जासवा कबीला रेजिस्टेंस के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं था सारंटू होने की वजह से, अभी वो कबीला भी इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे उनके कबीले की एक वॉरियर नसीम हमसे मिलने आती है। अब हम नसीम के आने की वजह से इस नसीम के कबीले तक भी पहुंच जाते हैं। वहां जाने पे हम उसकी बहन मीनांग से भी मिलते हैं और यहाँ इनसे मुलाकात करने के बाद, इनके कबीले से मुलाकात करने के बाद हम कुछ और छानबीन पे निकल जाते हैं, आरडीए के लोगों की छानबीन पे। तब हमें पता लगता है कि आरडीए के लोगों ने कुछ जानवरों को यूं ही बांध के रखा हुआ है, वो उन्हें बिना जरूरत के भी मार देते हैं। देखा जाए तो वो यहाँ की प्रकृति के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। अब ये बात जब हम जाकर के मीनांग और नसीम को बताते हैं तो वो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें आरडीए को रोकना होगा जीव जंतुओं पे इस तरीके से अत्याचार करने से। वो कहती हैं कि तुम यहाँ से चलो और अब हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। इसी वजह से अब हम उन सभी जीव जंतुओं को बचाने के लिए आरडीए के ऊपर फिर से हमला कर देते हैं, उनकी एक और फैसिलिटी के ऊपर। अब यहाँ इस फैसिलिटी को तबाह करने पे हमें पता लगता है कि ये जो आरडीए वाले लोग हैं ना केवल जानवरों को बेवजह मार रहे हैं बल्कि उन्हें सजावट के तौर पे रख भी रहे हैं। अब ये चीज देख करके नावी लोग भड़क जाते हैं क्योंकि नावी लोग प्रकृति, जीव जंतुओं की और ऐसी सभी चीजों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत परवाह करते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन यहाँ केवल इतनी सी डरने की बात नहीं थी, हमें पता लगता है कि वो लोग इन जानवरों की हड्डियों को ट्रॉफीज के तौर पे भी काम में ले रहे हैं और अभी वो लोग इसी तरीके की कुछ खास हड्डियों को ढूंढने के लिए वहाँ के कब्रिस्तान में जा रहे हैं जहाँ पे मीनांग और नसीम के कबीले के कुछ लोग थे जिनकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए यहाँ पे अभी मीनांग और नसीम दोनों जाते हैं कबीलों की सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए और हमसे कहते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और वहाँ पे बैठे हुए लोगों को चेतावनी दो कि आरडीए वहाँ आ रहा है, बाकी हम संभाल लेंगे। अब हम वहाँ पे जाकर के वहाँ के लोगों को, ससुल और उसके साथी को आगाह तो कर देते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल भी देते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि मीनांग के ऊपर फिर से हमला हो चुका है और यहाँ पे आरडीए वाले लोग मीनांग को या फिर नसीम को मारने में तो कामयाब नहीं होते लेकिन वो उनके कबीले के एक बहुत ही पवित्र जीव को मार देते हैं जिसका नाम होता है जाकरू। अब ये लोग इस जीव की बहुत दिल से पूजा करते हैं और इस जीव के मरने की वजह से अभी सभी के सभी जासवा कबीले के लोग भड़के हुए हैं और अब वो आरडीए से बदला चाहते हैं। मीनांग, नसीम और जासवा कबीले के लोग अभी चाहते हैं कि रेजिस्टेंस इस चीज में उनकी मदद करे। जैसे ही हम आलमा को ये बात बताते हैं, आलमा कहती है क्यों नहीं, जासवा कबीला हमारा साथ ही है और अगर वो अब आरडीए से बदला चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम लोग जासवा कबीले और रेजिस्टेंस के साथ मिलकर के आरडीए की एक और फैसिलिटी पे हमला कर देते हैं जहाँ पे अभी हार्डिंग का कब्जा था और ये हार्डिंग वही कर्नल है जो अभी मर्सर के साथ काम कर रही थी और ये उनकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैसिलिटी थी और अब हम सभी लोग यहाँ पे अलग अलग कबीलों के साथ इस पूरी जगह को तबाह कर देते हैं। अब आरडीए की इतनी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी को उड़ाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस के लोग पार्टी कर रहे थे लेकिन तभी आलमा हमें छत पे बुलाती है और साथ में नौर और रिनेला को भी। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे आरडीए वालों ने हमला कर दिया है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले वहाँ बहुत ज्यादा बमबारी हो चुकी थी और जब अगली बार हमारी आंखें खुलती हैं तो हम खुद को आरडीए की एक फैसिलिटी में कैद पाते हैं। लेकिन हम बहुत देर तक वहाँ पे कैद नहीं रहते क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे रेजिस्टेंस का जो एक बंदा था वो पहले आरडीए के लिए काम कर चुका था और वो जैसे तैसे अभी आरडीए वालों के ग्रुप में फिर से शामिल हो जाता है और उसका नाम होता है बिलीनेस। वो हमें यहाँ से बाहर निकालता है और कोशिश करता है कि आरडीए फिर से हमारे आसपास ना आ पाए, उनका ध्यान बटा के रखता है जिससे पहले कि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन इस सब में यहाँ पे बिलीनेस खुद को उनके हवाले कर देता है। अब हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी हमें अपने भाई टेलन का कॉल आता है और टेलन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब हमें पता लगता है कि टेलन ही वो था जिसने पार्टी की जगह
मर्सर को बताई थी, क्योंकि हमें पता है टेलन जो है शुरुआत से मर्सर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। वो मर्सर के साथ रहना चाहता है, वो उसमें अपनापन ढूंढता है, लेकिन मर्सर सिवाय उसका इस्तेमाल करने के कुछ नहीं करता। मर्सर ने उससे वादा भी किया था कि किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसने किया उसका उल्टा, उसने वहां पे बॉम्ब्स की बारिश करवा दी। और अभी यहाँ पे टेलन वापस नहीं आना चाहता इस कबीले में, क्योंकि वो अपने आप को इस लायक समझता ही नहीं है कि वो वापस इस परिवार का, इस कबीले का हिस्सा बन सकता है, इसलिए वो फिलहाल अभी मर्सर के साथ ही रहता है। अब हम जैसे ही इस फैसिलिटी से भाग करके वापस अपने एक और सेफ हाउस पे आते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे कई सारे लोग बुरे तरीके से घायल हैं। बहुत से लोग तो मर भी चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घायल ही हैं, और वहाँ पे आलमा भी अभी घायल ही होती है, या फिर बोलूं आलमा का जो अवतार था वो वहाँ पे घायल होता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कामाटेरी कबीले के बारे में, जो कि डॉक्टर्स की तरह होते हैं, लोगों को हील करना पसंद करते हैं। इसलिए अभी हम यहाँ पे अपने भाई नौर के कहने पे कामाटेरी कबीले से मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम यहाँ से जैसे ही कामाटेरी कबीले में जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में हमें ओकुल नाम का बंदा मिलता है, जो कि हमें अनुफी नाम की एक हीलर के बारे में बताता है, जो कि बहुत पहले ही लोगों को हील करना बंद कर चुकी है, क्योंकि उसकी किसी दवाई की वजह से पूरे के पूरे कबीले की जान चली गई थी। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कबीला कोई और नहीं बल्कि सारन टू कबीला ही था जिसकी जान इसकी वजह से गई थी। लेकिन यहाँ पे हमें जितना पता है, सारन टू कबीले की जान आरडीए के लोगों की वजह से गई थी। तो आखिर ये गड़बड़ थी क्या, क्या वजह थी कि जो अनुफी थी वो सारन टू कबीले की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। लेकिन इस चीज की फिलहाल जड़ तक जाने का हमारे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ ही वहाँ धीरे धीरे करके मर रहे थे, इसलिए हम फटाफट से अनुफी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अनुफी यहाँ बुरे तरीके से डरी हुई थी, और अब वो किसी का इलाज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से कहीं किसी की जान ना ले ले। I made it to heal, but it only did harm. And now your people lie in the fog. What did you do? Child. I killed you. All of you. No. The Sky People came for us. No, it was me. So many dead already. I told you, it is too dangerous. I cannot risk trying to heal any other innocents. But our wounded will die without your help. Then they will die. यहाँ अनुफी तो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन तभी हमें एक सियोल नाम के हीलर के बारे में पता लगता है। अब इस सियोल को ढूंढने के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। कामाटेरी जो कबीले के लोग थे, उनमें से ऐसा लग रहा था कि कोई भी हमारी मदद बिल्कुल करना ही नहीं चाहता, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात अलग थी। हम सियोल को ढूंढते हुए ओकुल के पास पहुँचते हैं। जी हाँ, वही बंदा जिसने पहली बार हमें अनुफी के पास भेजा था। यहाँ ओकुल से हमें पता लगता है कि सियोल भी अभी मारा जा चुका है, लेकिन ओकुल यहाँ पे कहता है कि सियोल से उसने बहुत सी चीजें सीखी हैं। सियोल उसका गुरु था, और सियोल ओकुल से एक बात और कहता रहता था कि मैं एक दिन सच को सामने ला करके रहूंगा कि सारन टू कबीले की मौत आखिर कैसे हुई। तो यहाँ पे सियोल कुछ ना कुछ तो ऐसा जानता था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा खुलासा हो सकता था। और अब यहाँ पे ओकुल और हम दोनों ही मिलकर के सियोल की अधूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, तब हम उसी जगह जा पहुंचते हैं जहाँ पे सारन टू कबीले की मौत हुई थी, और वहाँ हमें अपनी माँ का एक कपड़ा मिलता है, जिसकी स्मेल से और उस जगह को देख करके हमारी कुछ यादें ताजा हो जाती हैं कि किस तरीके से आरडीए वालों ने आकर के यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया था, वो भी बिना किसी चेतावनी और बातचीत के। यहाँ पे हमें एक वीडियो फुटेज भी मिलती है, जो कि बहुत पुरानी थी और किसी और की नहीं बल्कि आलमा की थी। यहाँ हमें पता लगता है कि आलमा ही जो थी वो मर्सर के साथ शुरुआत से ही मिली हुई थी, और उसी ने जो है सारन टू कबीले के पास आने के लिए मर्सर को बोला था। लेकिन यहाँ पे पूरी बात क्लियर नहीं होती कि आलमा यहाँ पे दोषी है भी या नहीं। यहाँ हम अपने भाई नौर को कॉल करते हैं और ये सारी बातें उसे बताते हैं। नौर कहता है कि तुम पहले यहाँ घर आ जाओ, उसके बाद आलमा को बहुत से सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक
छोटी सी शीशी मिलती है जिसमें कि कोई भी जहर नहीं था, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं था जिसकी वजह से सारंटू कबीले की मौत हो सके। अब इसी शीशी को लेकर के हम वापस से कामाठीरी कबीले के पास आते हैं और यहाँ आकर के हम अनूफी के सामने ये सच बताते हैं कि उसकी दवाई की वजह से, उसके इलाज की वजह से किसी की जान नहीं गई, बल्कि आरडीए वाले लोगों ने वहाँ आकर के कत्लेआम मचाया था। Child, how did you know they would not harm you? Our people have always been healers. I never stopped believing that. लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि गोलियों के निशान और जहर दोनों में अंतर होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ थी। अनूफी को इतने भी आसानी से पागल नहीं बनाया जा सकता था। तब यहाँ पे अनूफी को अपने कबीले के लीडर पे शक होता है। वो कहती है जल्दी से मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मुझे सच्चाई जाननी है। और जैसे ही अनूफी इस कबीले के लीडर के साथ बॉन्ड बनाती है, तब हमें पूरी सच्चाई पता लग जाती है कि इस कबीले का जो लीडर था उसी ने जो है जॉन मर्सर की मदद की थी सारंटू कबीले तक पहुंचने के लिए। यहाँ वो कहता है कि अगर सारंटू कबीला नहीं मरता तो मर्सर हमारे कबीले को मौत की नींद सुला देता, या तो उनके बच्चे मर सकते थे या हमारे, इसलिए मैंने हमारे बच्चों को बचा लिया और सारंटू कबीले के लोगों को उनके हवाले कर दिया। लेकिन अनूफी इस बात से बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि हमारे कबीलों को लोगों की जान बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए जाना जाता था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। लोग और पूरे के पूरे कबीले अब हमसे नफरत करते हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे इस कबीले के लीडर को यहाँ से बेदखल कर दिया जाता है और फाइनली कामाठीरी कबीला हमारी मदद करने के लिए और हमारे दोस्तों का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे अनूफी आकर के सभी लोगों का इलाज शुरू कर देती है और वो यहाँ पे आलमा का जो अवतार था उसे भी बचा ही लेती है। लेकिन यहाँ पे अनूफी आलमा को जगते हुए देखते ही कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्ही वो होना जो मर्सर के साथ सारंटू कबीले को खत्म करने के लिए गई थी। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे नौर बुरे तरीके से भड़क जाता है और वो यहाँ पे एक चाकू लेकर के आलमा के ऊपर हमला कर देता है। You were there. You led Mercer to us. Mercer's school. The ambassador program. What's supposed to save lives? Both not being human. I only tried to help. You stole our lives, like you stole everything else. I tried to stop them. No! Get off me! Let it bleed. Do not become what you hate, Noor. Listen. It needs to die. Let her speak. Why? She is the reason for every bruise and broken bone. She murdered our families. A Hartley! I never meant to hurt you. Then tell us why. You know why! This is what you wanted, yes? Revenge against the humans. Revenge? This is not revenge. You are being consumed. Where does it end? These are our allies. Would you kill them all? अब यहाँ पे आलमा का अवतार मरने वाला था, इसलिए यहाँ पे आलमा हमसे कहती है कि मेरे पास अब बस थोड़ा सा वक्त बचा है तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। इसलिए यहाँ पे आलमा हमसे कहती है कि मुझे माँ एवा के पास ले चलो और वहाँ मैं तुम्हें पूरा सच दिखा दूंगी। तब हम आलमा को माँ एवा के पास ले जाते हैं और वहाँ माँ एवा की मदद से उसके साथ बॉन्ड बना करके पूरा का पूरा सच देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि आलमा और मर्सर दोनों ही नावी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, उनके बच्चों को अपने तौर तरीके से खाना चाहते थे और उनके तौर तरीके खुद समझना चाहते थे। यहाँ आलमा कहती है कि मैं जाकर के नावी लोगों से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में भेजो पढ़ने के लिए, जिससे कि हम एक दूसरे की सभ्यताओं को ठीक से समझ सकें। लेकिन मर्सर का प्लान कुछ अलग ही था। वो यहाँ नीचे पहुँचते ही शुरुआत से ही अपने सोल्जर्स को कह देता है कि सभी के सभी नावियों को मार डालो बच्चों को छोड़ करके, और यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पूरे तरीके से कत्ले आम मच जाता है और यहाँ हमारे भाई बहन और कुछ नावी बच्चों को छोड़ करके सब के सब मारे जाते हैं। आलमा हमें अपने साथ ले लेती है और कहती है घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। No!
me talk to them! What are you doing? Don't let them run! You can't find them in the forest! Putain de boule! Where my elephant! Harley! Nobody gets out! Here, take this. Don't worry, little one. I'll protect you. और तब से आलमा उस फैसिलिटी में हमें पढ़ाने के बहाने इन लोगों से बचा ही रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी जब मर्सर हमारे ऊपर कुछ जुल्म करता था, क्योंकि इन दी एंड मर्सर एक बहुत ऊंची पोस्ट पे था और आलमा केवल एक साइंटिस्ट, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। अब हम यहाँ पे जैसे ही अपने इमोशंस को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हमें पता लगता है आरडीए की एक और एक्टिविटी के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पे पेंडोरा का एक बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा इलाका बिल्कुल ही जीवन रहित हो जाने वाला था। ना ही वहाँ पे कोई पेड़ बचता और ना ही कोई जीव जंतु, इसलिए अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय जॉन मर्सर को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देने के। और अभी इसी चीज का प्लान बना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं सभी के सभी कबीलों के साथ। अब हम यहाँ पे जॉन मर्सर के कई बार आमने सामने आते हैं, लेकिन वो हर बार भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। लेकिन यहाँ पे टेलन अभी भी कुछ बटा हुआ सा लग रहा था, वो ना ही पूरी तरीके से हमारा हो पा रहा था ना ही मर्सर का। और टेलन चाहता था कि वो यहाँ पे इस मशीन को बस रोक दे, ना ही मर्सर को मरना पड़े ना ही उसके भाई बहनों को, और वो यहाँ पे ये करने में कामयाब भी हो जाता है, वो मशीनों को रोक देता है। तभी हमें पता लगता है कि जो जॉन मर्सर है वो बॉम्ब फोड़ के ही मानेगा, भले ही उसका काम पूरा हो या ना हो। अब तुम लोगों के लिए यहाँ पे बता दूं, जो जॉन मर्सर था वो यहाँ पे एक अजीब तरीके की प्रक्रिया करना चाहता था। वो यहाँ पे सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को एक इलाके में खत्म करके उस पूरे इलाके को ऑयल फील्ड्स में बदलना चाहता था, और टेलन यहाँ पे उस मशीनरी को खराब कर देता है। लेकिन धमाका अभी भी किया ही जा सकता था। टेलन को लग रहा था कि जॉन मर्सर का अगर इरादा नाकामयाब कर दिया जाए, उसके काम में टांग अड़ा दी जाए, तो वो हो सकता है बॉम्ब ना फोड़े। लेकिन जॉन मर्सर मानता नहीं है, वो कहता है कि ऑयल फील्ड बने ना बने लेकिन बॉम्ब तो फटके रहेगा। अब ये चीज जानने के बाद टेलन को भी धक्का लगता है, और जैसे ही हम जॉन मर्सर को रोकने के लिए जाते हैं तभी टेलन हमारे साथ हो जाता है। You're such a waste of breath. You see this, Talon? This is what failure looks like. Yes, sir. Lower the charge. Time to watch your world break. Talon, remember! Are you serious? This is how you choose to go out? With a children's song? Children, we ought not be. Doesn't matter. You can't stop this. But I can't stop you, Mercer. Pandora will renew herself, and in a minute, you'll just be ash on her wings. Talon, Talon, let's go. और यहाँ जॉन मर्सर इस बड़े से धमाके में मारा जाता है। जी हाँ, इस धमाके से बहुत से जीव जंतु मारे गए। नावी लोग भाग चुके थे तो उनमें से किसी की जान नहीं गई। प्रकृति बहुत बुरे तरीके से तबाह हो चुकी थी, लेकिन ये पेंडोरा ग्रह है जिसको हम जानते हैं, ये अपने आप को फिर से हील कर लेगा, ये हमेशा कर ही लेता है। माँ एवा इस ग्रह के साथ हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पे अभी हम सब भाई बहन रिनेला, नॉर, टेलन और हम सब के सब मिल करके वापस से सारन डुकलैन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। सो ये थी अवतार फ्रंटियर्स ऑफ द पेंडोरा गेम की कहानी। और मुझे मालूम है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इस गेम के जो है मैं दो पार्ट्स नहीं बनाना चाहता था स्टोरी वीडियो के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस गेम के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि ये गेम कुछ ऐसे टाइम पे और इस तरीके से रिलीज किया गया है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं लगा है कि ये गेम रिलीज भी हो चुका है, और जिन लोगों को पता भी लगा है
उनका इस गेम के साथ कुछ लव हेट वाला रिलेशनशिप बन चुका है, तो वो लोग इस गेम को ना तो अपना पा रहे हैं ना ठुकरा पा रहे हैं। तो जी हाँ, इस गेम की स्टोरी को मैंने केवल एक वीडियो में समेट दिया है पूरा का पूरा। जिन्हें इंटरेस्ट है वो देख ही लेंगे, जिन्हें नहीं है वो स्किप मार ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी हाँ, ये वाला जो स्टोरी वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।